तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं मॉर्निंग वॉक पे ये शिखा के साथ और ये हमारे घर के पास का नाला है, इधर ही घूमने जा रहे हैं हम लोग। और ये दिल्लू देलो है। ये गांव का घर दोस्तों कुछ इस तरह से रहता है, अब देख लो गांव का घर। ये सीखा गई दुकान अपने लिए बिस्किट लेने। जय राम भैया, देख काम मांगतेगा। दोस्तों ये घूम के हम वापस आ रहे हैं और ये जो दिख रहा है ना, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये हमारा घर है और ये जो नाला बन रहा है ना नया, ये है। और अब सीखा यहाँ पे आम बेचने बैठ गई, आम लगा रही है बेचने के लिए। और दोस्तों ये हमारे घर का गेट है और ये उधर नाला है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चार पांच किस्म के आम हैं हमारे घर में, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली लग चुका है हमारा दुकान और आज मेरी ड्यूटी लग गई है आम बेचने के लिए, क्योंकि माँ थोड़ा काम कर रही हैं और बाबूजी कहीं बाहर गए हैं, तो आज मुझे बेचना है। और अभी तक तो मेरा बोहनी हुआ नहीं है, देखते हैं कब तक बोहनी हो जाए। दोस्तों एक घंटा हो गया बैठे बैठे मुझे ये आम बेचने के लिए, मगर अभी तक बोहनी नहीं हुआ है। अब देखते हैं कब बोहनी होगा। और कल तो पूरा आम निपट गया था, पूरा बिक गया था, और आज देखते हैं एक दो बजे तक कितना बिकता है, क्योंकि एक दो बजे तक बैठते हैं हम लोग। तो दोस्तों फाइनली मेरा हो गया बोहनी, ये मेरे भगवान है कस्टमर जिन्होंने आम ख़रीदा। ये वाला आम देखो लगभग पेड़ में ही पक गया है, और इसके ऊपर जो चींटी है भूरा वाला, ये बहुत तेज़ काटता है दोस्तों, बहुत तेज़, बहुत दर्द होता है इसके काटने से। और ये लगभग आम के हर पेड़ में रहता है, और जब आम तोड़ो तो ये हालत ख़राब हो जाता है इसके काटने से। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसको, छत्तीसगढ़ में बस्तर में इसको इस चींटी का अचार बना के भी खाते हैं। दोस्तों आम बेचने के बाद फिर आम तोड़ने गया था, तो तोड़ के लाया, अब इसको हमको पकाना है। इतना सारा तोड़ के लाया हूँ। ये हमारा डॉगी मोटू उस्ताद, ये यहाँ का पानी पीता है, घर का पानी नहीं पीता। ये जलकुंभी पौधा, इसी का पानी पीता है ये। तो चलो दोस्तों आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा हमारा होम गार्डन, हमारे घर का गार्डन, ये देख लीजिए। बड़ा कमाल का लगता है ये पौधा, बहुत खूबसूरत। इस तरह के तीन चार पौधे हैं हमारे घर में, एक ये हो गया, एक ये है, तीन या चार किस्म के हैं इस तरह के पौधे। और आपको और दिखाता हूँ, एक बहुत खूबसूरत लगता है ये, देख लीजिए ये वाला, ये तो और बहुत खूबसूरत है। ये बहुत बड़ा होता है, कभी डिटेल में एक आध वीडियो और बनाऊंगा। और ये है जलकुंभी, जहाँ का वो मोटू पानी पी रहा था। और दोस्तों ये है रात रानी, जो रात में काफ़ी खुशबू करता है, आपने सुना होगा रात रानी का नाम। तो दोस्तों हो चुका है शाम और मौसम हो रहा है ख़राब, सूरज डूब चुका है और ये देख लीजिए कितना मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश होने की काफ़ी संभावना है। और मैं थोड़े जा रहा हूँ घूमने बस्ती तरफ कुछ काम से, तो देखते हैं बारिश का क्या हाल चाल होता है, मगर चांसेस तो बहुत है पानी गिरने का, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और हवाएँ भी चलना चालू हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ही मैं आया गाँव के पास, दुकान के पास, ये देख लीजिए हवा चलना चालू हो गया है, अभी बारिश भी चालू हो गई, बहुत तेज बारिश हो रही है और काफ़ी तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, बहुत ही खतरनाक। बहुत दिनों बाद इस तरह की तूफान और बारिश और आंधी देखने को मिला, बहुत ही खतरनाक है। आप देख सकते हैं
ये पहली बारिश है यहाँ की, बहुत ही खतरनाक है, काफ़ी आंधी चल रही है और मैं फंस चुका हूँ यहाँ पे। पता नहीं कितने टाइम बारिश रुकेगा तब मैं घर जाऊँगा। तो जैसे ही पानी रुका दोस्तों, मैं घर आ चुका हूँ और घर आने के बाद देखता हूँ तो देखो हमारा पौधा एक पेड़ का टूट के गिर गया है और बहुत सारे अंदर साइड में भी गिरे हैं, देख सकते हैं ये टूट के गिर चुका है। अब ये भी साफ़ करना पड़ेगा। ये देखिए इधर भी टूटा है एक और इधर भी एक टूटा है, ये आप देख सकते हैं। अब दिखाता हूँ दोस्तों आपको नाले का नज़ारा, देखो नाले की हालत ख़राब है, पानी की वजह से गाड़ी चलना मुश्किल है बहुत, और उधर कोने में एक गाड़ी फंस भी गया है, देख सकते हैं ये वाला, ये पिकअप ब्लोरो पिकअप गाड़ी फंस गई है और इसमें कुछ सामान भरा हुआ है। इसी को कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा सीन है दोस्तों हमारे बगीचे का, देखो पेड़ गिर चुका है, ये आम गिर चुके हैं, पूरा आम गिर चुका है और वो नीम का पेड़ है जो गिरा हुआ है। तो दोस्तों बहुत ख़तरनाक वाली बारिश हुई है, काफ़ी तूफान चला है, हमारे घर के बहुत सारे पेड़ पौधे गिर गए हैं, हमारे आम के फल बहुत सारे गिर गए हैं, तो बहुत सारा काम है कल के लिए, तो पेड़ वेड़ काटना पड़ेगा, आम वाम उठाना पड़ेगा, बहुत सारा काम है दोस्तों। और इतना ख़तरनाक बारिश और इतना ख़तरनाक तूफान बहुत दिन बाद देखा मैं। तो दोस्तों आज की इस व्लॉग को यही समाप्त करते हैं कि अभी भी मेरे को बहुत सारा काम करना है, क्योंकि देख सकते हैं पीछे बहुत सारा पेड़ भी दिख रहा है आपको गिरा हुआ, तो बहुत सारा काम है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही दोस्तों, अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों कोई शिकायत या सुझाव हो तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। और बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।